बाप रे, कितनी गर्मी है। मैं भी थक गई हूँ। हाँ, मैं भी थक गया हूँ। कोई मुझे घर ले जाओ, मैं अभी और नहीं चल सकता हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा धूप है। चलो थोड़ी देर आराम के लिए कहीं छांव देखते हैं। आह, इस पेड़ के नीचे तो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है यहीं पर सो जाऊं। हाँ, यहाँ कितना अच्छा और शांत लग रहा है। हमें एकदम सही जगह मिली है। हाँ, आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा। अगर ये पेड़ नहीं होते तो क्या होता? गर्मी की वजह से हम बेहोशी हो जाते थे। मुझे लगता है वहाँ पर एक ट्री हाउस होना चाहिए। वो पंछी कितने लकी है ना कि उनका घर इस पेड़ पर है। हाँ, बहुत ही लकी है। मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे पेड़ का महत्व बताते थे। वो हमारे आंगन में बहुत अलग अलग पेड़ पौधे लगाते थे। उसमें से कुछ तो बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन अब हम पेड़ कहाँ लगा सकते हैं? हमारे पास तो उतनी जगह भी नहीं है। जहाँ चाह वहाँ रहा। हमारे पास कई सारे ऑप्शन है पेड़ लगाने के लिए। हमारे घर के सामने, टेरेस पर और बालकनी में भी। सीरी, क्या तुम्हें याद है हमने टीवी पर पेड़ के बारे में एक प्रोग्राम देखा था? हाँ, मुझे याद है। बिना पेड़ के तो सब कुछ वीरान हो गया था। और हमारी साइंस टीचर भी हमें बार बार बोलती है कि जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पर पेड़ जरूर लगा लो, है ना? फिर क्यों ना हम ये अभी करें, है ना? बहुत बढ़िया आइडिया। ये बहुत अच्छी आइडिया है। बहुत बढ़िया, दादाजी हमारी मदद कर सकते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें कुछ बीज और पौधे दूंगा। मैंने कुछ रखे हुए हैं। वाह, आप कितने अच्छे हैं दादाजी। बीज देने से पहले आप सबको मुझे पेड़ के बारे में एक अच्छी बात बतानी होगी। पेड़ हमें छांव देते हैं। पेड़ से हमें फल भी मिलते हैं। माँ पेड़ के पत्तों पर खाना भी बनाते हैं। पंछी अपना घर पेड़ पर बनाते हैं। वाह वाह, बिल्कुल सही बोला है आप सबने। हाँ दादाजी, मैंने देखा है मेरी माँ रोज सुबह तुलसी के पौधे की पूजा करती है कि वो बहुत पवित्र होता है। मुझे जब बुखार होता है तो माँ मुझे तुलसी का पानी पिलाती है। तुलसी के पत्ते कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। एकदम सही है। ये बीज और ये पौधे ले लो, जहाँ तुम्हें लगाना है वहाँ लगा लो। उन्हें रोज पानी डालकर तुम अपने अच्छे दोस्त की तरह उनकी देखभाल करोगे। मुझे प्रॉमिस दो। दोस्तों, इन पौधों के अंकुर को देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ अर्जुन, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। हमने जैसे प्रॉमिस किया है वैसे ही हम बड़े प्यार से उनकी देखभाल करके उन्हें बड़ा करेंगे।